इस बीच हमारे सेवा संघ के अभिन्न सदस्य बड़े भाई श्री डॉक्टर राजेश राय जी ने अभी बताया है, जो कि काउंटिंग तकनीशियन भी है, दर्शकों की संख्या अब 1,00,000 को छूने ही वाली है। मैच के तुरंत बाद एक मैच होगा और उसके बाद कमेटी सेवा संघ का मैच होगा। सभी दर्शकों को उस घड़ी का इंतजार कि कब हमारे ग्राउंड के हमारे अपने बच्चे खेलेंगे, ताकि हम उनको अपना आशीर्वचन प्रदान करें, उनका उत्साह वर्धन करें। आप सबका बहुत बहुत आभार, आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमें दिया है, अपना बहुमूल्य समय, इसके लिए सदैव कमेटी आप सबका आभारी रहेगी। आगे के मैच का आपको देखा हाल सेवा संघ के आजीवन सचिव हमारे बड़े धन्यवाद भाई ज्ञानू जी। और इस समय आपके सामने BLW वाराणसी और लखनऊ का मुकाबला चल रहा है। लगभग सही काउंटिंग दिया दर्शक, दोनों टीमें अच्छी सजी हुई और जोरदार मुकाबला, जोरदार शॉट। अपने नाम ख्याति के अनुरूप बनारस, सुबह बनारस के लिए प्रसिद्ध है, तो सामने लखनऊ, और दोनों का मुकाबला इस समय सेवा संघ के ग्राउंड पे। आउट करें सर। एट फोर दूना का अंतर, अच्छी सर्विस 8 की सेवा 4 के लिए, और इस तरह से पकड़े गए। पुनः एक पॉइंट 9-4 संस्थापित, और सारे ये वॉलंटियर जो आपको दिख रहे हैं संघ के प्रहरी हैं, जिसमें श्री केएन उपाध्याय जी का आशीर्वाद मिला, और ये शानदार मैच आपको देखने को मिल रहा है, जिनकी जितनी प्रशंसा उनकी की जाए कम है। और सेवानिवृत्ति के बाद भी काफी एक्टिव रहे हैं स्पोर्ट के क्षेत्र में या किसी भी मामले में, खेल आपको देखने को मिलेगा सेवा संघ का भी। और ये जरूरी होता है कि अपने ग्राउंड पे मैच हो और बच्चे न खेले, खेल नरम गरम रहे, उनका हौसला बढ़ना चाहिए। और दर्शकों से अपील है आपका, तबीयत थोड़ी अस्वस्थ होने के बाद भी श्री बच्चा उपाध्याय जी पुराने संघ के पदाधिकारी रहे हैं, डटे हैं केवल उसी मुकाबले को देखने के लिए। टाइम और पॉइंट सर आउट। आगे का हाल ज्ञानेंद्र भाई। हमारे सभी सेवा संघ के पुराने गार्जियन वृंद अपने बच्चों का मैच देखने के लिए बहुत से उत्साहित, जिसमें से कि हमारे चचा श्री रमेश राय जी भी बहुत से उत्सुक अपने बच्चों को अपना आशीर्वचन प्रदान करने के लिए सुबह से ही पूछ रहे थे हमसे, कहा हो तो हम लोग के मैच कब हुई, तो हम लोग के मैच कब हुई।
और आप लोगों को पुरस्कृत करने के लिए नोटों से उनकी पॉकेट भरी हुई है। दिल खोल कर आज आप लोगों पर पुरस्कारों की वर्षा होगी, मन मोह ले दर्शकों का। लखनऊ और वाराणसी के बीच यह मैच चलता हुआ और इसी बीच हमारे बड़े भैया का आदेश मिला है छोटे अपने भाइयों को कि आप लोग वार्म अप की दशा में अभी से हो जाएं, क्योंकि फिक्स मैच खेलने की आदि रही है सेवा संघ की टीम। सेवा संघ के पुराने सदस्य कविंद्रनाथ राय मुन्नू जी, आप कमेंट्री बॉक्स के बाईं का इंतजार कर रहे हैं। इधर बहुत ही शानदार मैच चलता हुआ लखनऊ और वाराणसी के बीच, दोनों ही टीमें नपी तुली, अनुभव से भरपूर दोनों ही टीमों के खिलाड़ी आप से आप, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन अनुभव जोश का। 14-10, 14-10 का स्कोर, 4 अंकों की बढ़त बनाए हुए बनारस की टीम लखनऊ पर। एक तरफ जहां बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से चल के आए हुए खिलाड़ी, दूसरी तरफ नवाबों के शहर अपने खाते में जोड़ा। सेवा संघ के भूतपूर्व कैप्टन, पुराने सदस्य, हम सभी के गार्जियन, हम सबके मार्गदर्शक हमारे चाचा श्री दयाशंकर उपाध्याय जी मैच पर प्रकाश डालेंगे अपने। वाराणसी के बीच आज का तीसरा मैच, उम्मीद है कि यह मैच बहुत ही उम्दा होगा। एसएसबी के लिए करो या मरो की स्थिति है, अगर पुल में बने रहना है तो आगे बढ़ना है पुल में, तो इस मैच को जीतना ही होगा। वाराणसी की टीम एक मैच जीत करके पुल में अपना स्थान सुरक्षित लगभग कर चुकी है। वाराणसी की सेवा और बहुत सुंदर, धीरे से पुश किया और ये काउंटर अटैक, ध्यान दें बाल पर, दौड़ के लाएं, अवरोध पैदा ना करें आप लोग। और बहुत अच्छा ब्लॉक के बीच में से सुंदर स्मैश, ऐसे स्कोर सर। तेरह और 17, और इस तरह से 18 क्षेत्रवासियों की तरफ से आदरणीय कृष्णानंद उपाध्याय का हम लोग आभारी हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आप इतना ऊंचा आयोजन कराए। आते हैं मैदान की तरफ, मैच में अभी रोमांच नहीं आ रहा है, रोमांच आएगा तो दर्शक स्वयं बताएंगे कि रोमांचित हो गया है मैच, कांटे का संघर्ष हो नहीं रहा है, तालियां बजने लगेंगी। और ये सुंदर अटैक, उतना ही सुंदर डिफेंस, हलचल, थोड़ी सी हलचल फील्ड में, और ये अभिमन्यु है, 6 फाटक तो आसानी से तोड़ देंगे। बाईस चौदह का स्कोर। टाइम आउट लिया गया है, खिलाड़ी मजे हुए खिलाड़ी हैं, बहुत ही कटिंगदार सर्विस और उतना ही सुंदर स्मैश, एक नंबर के, बहुत ही उम्दा सर्विस, लेकिन आउट मार गए। और इस तरह से लखनऊ के 1 अंक की वृद्धि हुई। यहां आए हुए सारे क्षेत्रवासियों, ग्रामवासियों का
हम सेवा संघ की तरफ से, मास्टर एथलेटिक्स एसोसिएशन की तरफ से, नरही गांव की तरफ से स्वागत अभिनंदन करते हैं। अब आगे का प्रसारण ज्ञानवेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। बहुत ही शानदार मैच चलता हुआ लखनऊ और वाराणसी के बीच यह मैच खेला जा रहा है। सुशील भाई आप स्कोर बताने की कृपा करें। आप सब रेफरी के निर्णय का सम्मान करें, खेल भावना का परिचय दें। आप लोग बड़े खिलाड़ी हैं। और हम सबके